हेलो गाइस व्हाट्सअप। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स का पहला चैप्टर यानी लाइट, उसके सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और सबसे ज़्यादा टफ टॉपिक की बात करने वाले हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। ये जो टॉपिक है ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको पढ़ने के बाद किसी को पहली बार में समझ में नहीं आता। कोई भी बच्चा वो दूसरी बार ज़रूर समझेगा, पहली बार में किसी को नहीं समझ में आता कि है क्या। बहुत से बच्चों को तो यही नहीं पता रहता कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते किसको, ये असल में है क्या। तो आज के इस वीडियो में मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ए टू जेड। जो भी आपको क्लास 10th में नीड है, जितना भी समझने की नीड है, वो आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा इसी वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, और अगर रह भी जाए तो फिर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स आप ही का है, मैं आपको या तो रिप्लाई करके बता दूंगा, या फिर अगर वो रिप्लाई नहीं कर सकते तो फिर मैं दूसरी वीडियो में कवर कर लूंगा। सो गाइस, चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशन किस तरह से हमको एग्जाम में लिख के आनी, ये है क्या, इसके यूनिट और इसके कितने टाइप्स का होता है, और इसके जितने भी फॉर्मूले हैं उन सब का डेरिवेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, होता क्या है, ये जो चिड़िया है इस चिड़िया का ये है कौन सी चिड़िया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन पेयर ऑफ डिफरेंट मीडियम। आपने रेशियो तो पढ़ा ही होगा कि रेशियो होता क्या है, मतलब कि कोई भी दो मैग्नीट्यूड उनके बीच का कंपैरिजन जो कि डिवाइडेशन के फॉर्म में किया जाता है उसको हम लोग रेशियो बोलते हैं। तो ये किस चीज़ का रेशियो है, ये स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो है डिफरेंट मीडियम्स। मीडियम्स क्या होता है, जैसे अगर कोई लाइट है, रे ऑफ लाइट है, वो किसी मीडियम से आ रही है, यानी सपोज करिए एयर से आ रही है, फिर उसके बाद उसका मीडियम चेंज हो जाता है, यानी एयर के बाद वो वाटर में चली जाती है, तो उसमें कुछ बेंडिंग दिखाई देती है। तो वो जो एयर है और जो वाटर, ये जो सेपरेट मीडियम है, इन्हीं की वजह से वो बेंडिंग हो पा रही है। तो ये जो दो अलग अलग सब्सटेंस है जिनकी वजह से बेंडिंग हो पा रही है लाइट की, उसी को हम लोग मीडियम बोलते हैं। तो ये क्या है, एक रेशियो है दो अलग अलग मीडियम स्पीड ऑफ लाइट की। अब आप लोग के दिमाग में काफ़ी सारे क्वेश्चन आए होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये कि क्या जब हम लोग चेंज करते हैं, मतलब रे ऑफ लाइट जब चेंज करती है अपना पाथ, अलग सब्सटेंस में जाती है, तो क्या उसकी स्पीड ऑफ लाइट में फ़र्क आता है। जी हाँ, बिल्कुल आता है। अगर उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी, यानी दो जो मीडियम्स दिए हुए हैं, जो दो गिवन मीडियम्स हैं, अगर उनके ऑप्टिकल डेंसिटी में या फिर उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कोई भी चेंज आता है, तो जो रे ऑफ लाइट है वो बेंड करेगी, और साथ ही साथ उस वो बेंडिंग होती इस वजह से क्योंकि उनकी स्पीड चेंज हो जाती है, उनकी वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। जैसे अगर रेड कलर की लाइट है तो उसकी वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है। वेवलेंथ मतलब आप सपोज कर सकते हैं कि उसकी पावर ज़्यादा है, तो अगर उसके पास पावर ज़्यादा है तो कम बेंड करेगी। अगर कोई जो है दुबला पतला इंसान है, उसको तुम ढकेलोगे तो ज़्यादा आगे चला जाएगा, ज़्यादा बेंड हो जाएगा। लेकिन कोई मोटा ताजा इंसान आ जाए, उसको ढकेलोगे उसको कोई असर ही नहीं पड़ेगा। तो उसी तरह यहाँ पर भी अगर रेड कलर की रे ऑफ लाइट है तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है, तो ज़्यादा उसमें बेंडिंग नहीं दिखाई पड़ती। लेकिन जैसे वॉयलेट हो गया, ब्लू हो गया, इनकी वेवलेंथ कम होने की वजह से ज़्यादा बेंड कर जाते हैं, जिसकी वजह से रिफ्रैक्शन अलग अलग वेवलेंथ का हो जाता है, और यही रीज़न होता है हमारे रेनबो फॉर्मेशन का, जो कि अभी हम इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। और दूसरी चीज़ ये कि अगर हम लोग ये ना लिखना चाहें तो ये भी हो सकता है, रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर फॉर पर्टिकुलर वेवलेंथ। वही चीज़ मैंने आपको वेवलेंथ एक्सप्लेन कर दिया कि क्या होता है वेवलेंथ और इसका असर क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, या फिर कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से इसमें क्या असर पड़ता है। तो साइन है क्या है, ये साइन एक रेशियो होता है। अभी आप ट्रिग्नोमेट्री, जिसकी मैंने रेशियोज ऑलरेडी अपनी एक वीडियो में कवर करके रखे हुए हैं कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, कहाँ पर यूज़ आते हैं, वो सब मैंने आपको बता चुका हूँ। तो साइन आई ये एक रेशियो होता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उनके जो साइन है, यानी उनका जो साइन की वैल्यू है, उनके रेशियो की जो वैल्यू होती है वो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होती है। तो दो चीज़ें हमने पढ़ी कि या तो स्पीड ऑफ लाइट के रेशियो डिफरेंट मीडियम्स में, या फिर साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के मैग्नीट्यूड का साइन, इन दोनों के रेशियो, जो कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ यानी रेड कलर की लाइट जा रही, तो हम लोग सिर्फ रेड कलर की वेवलेंथ की ही बात करेंगे। ये नहीं कि हमने पहले रेड कलर की रे ऑफ लाइट का साइन ले लिया और फिर बाद में ब्लू कलर पास करा दिया फिर उसका साइन आर ले लिया, तो ये नहीं। अगर आप रेड कलर ले रहे हैं तो उसी का साइन है और उसी का साइन है, उनका जो रेशियो होगा उसकी वैल्यू भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होती है।
और ये जो मैंने आपको सेकंड डिफिनेशन बताई, ये स्नेल्स लॉ, इसको भी बोलते हैं। ये आपको जब आप रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो इसकी स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया जाता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में। तो अब इसकी यूनिट क्या होती है, तो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिर्फ एक रेशियो होता है और कुछ नहीं होता है। तो जैसे ये रेशियो, तो रेशियो की कोई वैल्यू नहीं होती। अगर ये स्पीड होती, अगर ये कोई फोर्स होता, कोई डिस्टेंस होती, कोई टाइम होता, या फिर कुछ भी कोई भी वैल्यू होती, या तो उसकी कोई यूनिट होती, लेकिन ये सिर्फ एक रेशियो है, रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती। अगर मान लीजिए साइन आई की अगर कोई यूनिट, सपोज वैसे होती नहीं है, लेकिन अगर इसकी कोई एक यूनिट होती और साइन आर की भी कोई यूनिट होती, तो जैसे हम लोग अपॉन में रखते इस तरह के फॉर्म में, तो उसकी यूनिट्स कट जाती, तब भी देखिए यहाँ पर कोई भी यूनिट नहीं बची, तो उसकी कोई यूनिट नहीं होती इसी वजह से। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एन से। अभी आप क्लास टेंथ में हैं, इस वजह से आपको इसमें एन के तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। हाईर क्लासेस में आपको ये एक साइन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं म्यू, तो इसके इससे भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आती है कितने तरह के होते हैं, तो ये दो तरह के होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट और एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव क्या होता है, तो कोई भी ऐसा मीडियम जिसमें हमारा जो पहला मीडियम यानी जिससे रे ऑफ लाइट इंटर कर रही है, तो अगर वो एयर हुआ तो वो हमारा एब्सोल्यूट होगा। लेकिन अगर जैसे यहाँ पर देखिए इस एग्जाम्पल में, ये एक रे ऑफ लाइट है जो कि एयर से आ रही थी और अचानक से ग्लास में इंटर कर गई, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे एयर फर्स्ट मीडियम है, ग्लास सेकंड मीडियम है। तो इसमें जिस भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अगर वो एयर फर्स्ट मीडियम बन जाती है, तो फिर वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है। लेकिन वहाँ पे अगर पहला मीडियम एयर नहीं है, यानी जो रे ऑफ लाइट आ रही है वो ऑलरेडी किसी दूसरे मीडियम से आ रही है, ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, अगर वहाँ से आ रही है तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। इसको हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे अगर हमने बात की किसी जनरेटर की जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, तो अगर हम लोग सिर्फ एक जनरेटर की बात कर रहे हैं कि ये जनरेटर कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, तो सपोज एग्जाम आंसर आ गया 25, ठीक है, मतलब 25 एम्पियर का करंट वो प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मतलब कि हम लोग जब सिर्फ एक मीडियम की बात कर रहे हैं, यानी यहाँ पर सिर्फ ग्लास की बात हो रही है, ये रेशियो ये भी है लेकिन 1 के रेशियो में, क्योंकि जो एयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1। खैर पॉइंट अगर आप लोग ज़्यादा डीप में जाएंगे तो 1.0003 होता है, तो हम लोग इसको 1 ही कंसीडर कर लेते हैं, तो इस वजह से एब्सोल्यूट। लेकिन अगर हम लोग दो जनरेटर की बात करें, यानी एक जनरेटर 25 एम्पीयर का करंट प्रोड्यूस कर रहा है और दूसरा मान लीजिए 75 का कर रहा है, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 25 वाले जनरेटर को 75 एम्पीयर वाले जनरेटर से कंपेयर कर रहे हैं। यानी जब कंपेरिजन आ जाता है दो अलग अलग सब्सटेंस का, वहाँ पर आ जाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे यहाँ पर हम लोग बात करें, जैसे ग्लास से इंटर कर रही है फिर उसके बाद वाटर में चली जा रही है रे ऑफ लाइट, तो यहाँ पर क्या है, ग्लास हो गया पहला मीडियम, वाटर हो गया सेकंड मीडियम। अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। लेकिन अब हम लोग इसको बोलेंगे क्या, तो हम लोग इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, क्योंकि मैंने आपको बताया जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो एक रेशियो होता है दो अलग अलग सब्सटेंस से, यानी हम लोग एक चीज को दूसरे चीज से लेकर कंपेयर कर रहे हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर ग्लास और वाटर की बात हो रही है, यहाँ पे एयर है ही नहीं, यानी इन दोनों में से, यानी ग्लास का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे चाहे वाटर का देखें, दोनों की रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो 1 नहीं होता, इस वजह से यहाँ पर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। अब दूसरी चीज़ ये कि जो हमारा सेकेंड मीडियम है, जब भी हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, तो जैसे हमको ये एग्जांपल दे दिया गया, अब इसका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको बताना है, तो हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, वाटर को ग्लास से कंपेयर कर रहे हैं, ग्लास को वाटर से कंपेयर नहीं कर रहे, हम लोग वाटर को ग्लास से कंपेयर कर रहे हैं। यानी जो हमारा सेकेंड मीडियम है, हम लोग उस सेकेंड मीडियम को फर्स्ट वाले मीडियम से कंपेयर कर रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पर बोला गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। हमने ये नहीं बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, नहीं, ये गलत है। जो सेकेंड मीडियम, यानी सेकंड टाइम जिसमें रे ऑफ लाइट इंटर कर रही है, हम लोग उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट वाले मीडियम से कंपेयर करते हैं। अब इसी तरह हम लोग इसको न्यूमेरिकली फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, तो एन लिखेंगे फिर डब्ल्यू फिर जी, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। अब हम कुछ लोग क्या करते हैं, ग्लास यानी जो जी है इसको कहीं पर इधर लेफ्ट साइड भी लिख देते हैं और कई बार इसको ऊपर भी लिख देते हैं, लेकिन उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको मेन चीज में फोकस करना है जो कि यानी एन के जो राइट हैंड साइड पर दी हुई है।
एन के जस्ट राइट हैंड साइड में जो दिया हुआ है वही हमारा सेकेंड मीडियम होता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद इसका फॉर्मूला हो जाता है वी जी अपॉन वी डब्ल्यू। हमने क्या बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट का एक पर्टिकुलर मीडियम में रेशियो होता है, तो उसी तरह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास है, यानी ग्लास में जो लाइट की वेलोसिटी थी उसका उसका रेशियो किसके रेशियो के साथ, वेलोसिटी ऑफ वाटर यानी वेलोसिटी ऑफ रे ऑफ लाइट इन वाटर, यानी ग्लास में जितनी लाइट की स्पीड थी और वाटर में जितनी लाइट की स्पीड थी उन दोनों का रेशियो ये हो गया, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया किसका, वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। अब दूसरी चीज़ ये इस इक्वल होता है इसके, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अगर हम लोग कर दें और उसके अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कर दें। अब जब भी मैं यहाँ पर सिर्फ वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर सिर्फ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा हूँ तो वो असल में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। सपोज यहाँ पर मैं आपको अभी इस फॉर्मूले को डेराइव भी करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पर हम लोग का पहला मीडियम था एयर, सेकंड में ग्लास था, तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ। इसी तरह ये जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहा हूँ ना, ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सी अपॉन वी डब्ल्यू। यहाँ पर एब्सोल्यूट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन वी जी। यहाँ पर सी का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो कि होती है 3 पॉइंट, मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, सी इज इक्वल्स टू 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड होती है रे ऑफ लाइट की वैक्यूम में। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में पहले हम लोग सी की वैल्यू रखेंगे और उसके अपॉन में वेलोसिटी ऑफ ग्लास, सॉरी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। तो ग्लास में जितनी लाइट की या फिर रे ऑफ लाइट की स्पीड थी वो और उसके जस्ट ऊपर यानी न्यूमिरेटर में वेलोसिटी ऑफ रे ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ रे ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम, ये हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। अब इसकी मदद से हम लोग इसको डराइव करेंगे, तो यहाँ पर सी अपॉन वी जी, अब हम लोग को क्या इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। एक काम करते हैं, हम लोग को यहाँ पर ग्लास और वाटर की बात की गई है, तो सी अपॉन वी डब्ल्यू, सॉरी सी अपॉन वी डब्ल्यू, ये बराबर हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर के, ठीक है। अब हम लोग वेलोसिटी की अगर वैल्यू निकालेंगे तो आ गया वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर वो बराबर हो जाएगा सी अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। यहाँ पर भी ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो हमको एक चीज़ मिल गई ये, ठीक है। अब इसी तरह सेकेंड चीज़ यहाँ पर हम लोग को ये दिया हुआ है, तो क्या होगा सी अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्ट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ये ठीक है। अब इसी तरह जो हमारी वी जी की वैल्यू है, यानी वी जी इज इक्वल्स टू आ जाएगा सी अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब हम लोग को क्या करना है, वी जी अपॉन वी डब्ल्यू, तो यानी अगर हम लोग एक काम करें इसको इन दोनों का रेशियो निकाल लें, यानी हम लोग क्या कर रहे हैं वी जी अपॉन वी डब्ल्यू, अगर हम लोग ये निकालें तो क्या हो जाएगा Vg की वैल्यू है C अपॉन Ng और अपॉन में वाटर की क्या है यानी Vw की वैल्यू है C अपॉन Nw। तो यहाँ से C कैंसिल हो जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर, तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आ गई Nw अपॉन Ng, ठीक है। तो यही से ये फॉर्मूला डेराइव होता है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास वो बराबर होता है वेलोसिटी ऑफ रे ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन वेलोसिटी ऑफ रे ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्ट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है, उस क्या है उसकी डिफिनीशन क्या है, उसको कैसे लिख के आना है, उसकी यूनिट वो किससे रिप्रेजेंट करता है, कितने टाइप्स का होता है उसका फॉर्मूला और वो फॉर्मूला कैसे डेराइव हुआ, तो वो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब आई होप आप लोग को सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, आपको पता चल गया होगा अब तक कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बातचीत कर सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी दे दूंगा या फिर रिप्लाई करके, या फिर अगर काफ़ी ज़्यादा लेंथी होगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर कर दिया जाएगा। सो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को इसी तरह की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इस चीज़ के बारे में नॉलेज हो सके, उनके भी कोई डाउट्स ना रह सके। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद वंदे मातरम।